आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2। मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार बना हुआ है और अब जरा बात कर लेते हैं दिल्ली की राजनीति की, खासतौर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया है लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप। दरअसल केजरीवाल ने आज ईडी को जवाब भेजा, वो खुद नहीं पहुंचे। आज भी ईडी के समन पर नहीं जाएंगे केजरीवाल, ये चिट्ठी लिखकर केजरीवाल ने ईडी को जानकारी दे दी। तीसरा मौका जब केजरीवाल को आज ईडी की तरफ से तलब किया गया था। इससे पहले 2 बार ऐसा हो चुका है पहले भी जब केजरीवाल नहीं गए और आज एक बार फिर ईडी के सामने नहीं पहुंचे अरविंद केजरीवाल। पिछले 1.5 साल से इस कथाकथित मामले की जांच चल रही है, ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, हजारों लोगों से पूछताछ कर चुके, पता नहीं कितने दर्जनों लोगों को ये गिरफ्तार कर चुके। लोग एक एक साल से, 1.5-1.5 साल से जेल के अंदर हैं। क्या सबूत मिला है? कोई सबूत नहीं है। मुख्यमंत्री को क्यों बुलाया जा रहा है? ईडी बताना नहीं चाहती। वो गवाह हैं? नहीं बता रहे। वो अभियुक्त हैं? नहीं बता रहे। उनको क्यों बुलाया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि चलिए अब लोकसभा चुनाव है, इससे पहले उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लोकसभा की कैंपेन के अंदर अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा। जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नज़र आती है। जहां तक मोदी सरकार की बात है, पिछले 10 वर्षों में देखा गया कि हर भारतीय की मददगार बनी है तो मोदी सरकार, तीसरी बार फिर मोदी सरकार। केजरीवाल किसी से डरने वाले नेता नहीं है, लेकिन आप गलत करेंगे, हाँ आप मिसयूज करेंगे एजेंसी का और नेताओं को ईडी के दरबार में और दफ्तर में बुलाकर अरेस्ट करेंगे तो हम विरोध करेंगे। हम आपके पास अब तक 500 इस प्रकार की कंप्लेंट भेजी है जो बीजेपी में है, आप उनको क्यों नहीं बुलाते? उनको तो आप कैबिनेट मंत्री बना दिया सबको महाराष्ट्र में और देश में। हाँ ईवीएम है ना, ईवीएम है तो मुमकिन है, ये नारा होना चाहिए। अच्छी बात है, चलने दो, देख लेंगे। तो इंडिया गठबंधन में केजरीवाल की पार्टी के साथ ही संजय राउत को आप सुन रहे थे, मजबूती से केजरीवाल के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल आज भी पेश नहीं हुए ईडी के सामने। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी का जो समन है ये गैर कानूनी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि दरअसल केजरीवाल जो हैं वो डर गए हैं। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जो कभी ये कहते थे कि भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये दीमक है आज भारतीय राजनीति का, वो भ्रष्टाचारी दीमक बन गए हैं। जिनको ये गलत फहमी है, ये गुमा है कि मैं कानून से ऊपर हूं, ये कहना गलत नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मन ही मन कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। तो अब सवाल बड़ा हो जाता है कि ईडी का एक्शन चुनावी कनेक्शन, क्योंकि यही वो बात है जो बार बार राज बिहारी जी, ये विपक्ष के जितने नेता जिनके खिलाफ ईडी का एक्शन चल रहा है उनकी तरफ से दोहराई जा रही है। आपको लगता है चुनावी कनेक्शन से जुड़ता है मामला? देखिए, अगर चुनावी कनेक्शन से भी जुड़ता हो तो जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्रवाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई पर मोहर लगा दी है। चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ में बड़ा मुद्दा बनाया था ईडी की कार्रवाई को, राजस्थान में बड़ा मुद्दा बनाया था ईडी की कार्रवाई को। तो जनता मानती है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सही तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां तक केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी तो होनी है, क्योंकि दिल्ली में मामला झारखंड से अलग है। दिल्ली में उस तरह की समस्या नहीं है जो झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में तो केंद्र सरकार के तहत ही कानून व्यवस्था है, तो यहाँ वो समस्या नहीं आड़े नहीं आएगी। यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस तरह 7 सम्मन झारखंड के सीएम को दिए गए हैं, दिल्ली में मुझे लगता है 3 सम्मन के बाद ही केजरीवाल की गिरफ्तारी। मतलब आप कह रहे हैं कि इतनी ढील केजरीवाल को नहीं मिलेगी जितनी ढील वहां पर हेमंत सोरेन को दे दी गई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है हम लोग किस रास्ते पे चल रहे हैं।
हमने इमरजेंसी में देखा, कहा जाता था ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील। अभी ये सूरत हाल अब नज़र आ रही है कि भाई अगर कानून आपके पास में वारंट है तो आप जाइए गिरफ़्तार कीजिए सीधे सीधे। ये मीडिया ट्रायल और दूसरी तमाम तरह की ट्रायल जो पिछले कई महीने से हम हेमंत सोरेन के बारे में देख रहे हैं और इसके बारे में देख रहे हैं, अब ये कि जो तो बीजेपी जी ने कहा ना, फिर वो कह देंगे कि साहब हमें मौका नहीं दिया जा रहा, फिर कह देंगे कि साहब ना अपील ना वकील ना दलील, और अब ईडी इतना मौका दे रही है तो बीजेपी जो स्याह और सफेद करे वो सही, और उस पर मोहर लगा देनी चाहिए और उस पर कोई सवाल नहीं करना चाहिए। नहीं, सवाल ये कि सवाल बीजेपी कहाँ से आ गई, ये तो केंद्रीय एजेंसी है ना, केंद्रीय एजेंसी का एक्शन हो रहा है तो जाइए आप केंद्रीय एजेंसी में, आप और सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, माफ कीजिएगा, ये वो रास्ता है जिस पर पाकिस्तान चल रहा है और हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। किसी एजेंसी की एक कोई क्रेडिबिलिटी होती है। आज सड़क पर खड़े हुए आदमी से आप बात कीजिए तो वो आपको कहेगा कि ईडी सीबीआई और दूसरी जो एजेंसियाँ हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी। नहीं नहीं सर, ये आपका नजरिया हो सकता है। जी आइए। देखिए ऐसा है, खैर पाकिस्तान की बात करना तो मेरे ख्याल से बहुत ठीक नहीं रहेगा, अति भी हो जाता है और इसी अति के कारण लोग जो हैं फिर दूसरी तरफ भी सोचने लगते हैं। लेकिन देखिए, बात वापस आके अगर हम अपनी बात कहें, अगर केजरीवाल साहब की राजनीति को देखें तो केजरीवाल साहब की राजनीति का एक बैकड्रॉप है रोमाना जी, जिसमें भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एक बहुत बड़ा थी इनकी राजनीति की। और आज आप देखिए केजरीवाल साहब को न्यायालय जाने में कुछ थोड़ा देर नहीं लगता, अगर एलजी के खिलाफ उनको कुछ जानना है, अगर केंद्र सरकार के खिलाफ जाना है तो तुरंत न्यायालय चले जाते हैं। ऐसा क्यों है कि अगर ईडी के समन आ रहे हैं तो एक तरफ तो वो ईडी के पास नहीं जा रहे, दूसरी तरफ वो न्यायालय के पास भी नहीं जा रहे हैं ये देखने के लिए या ये सिद्ध करने के लिए कि ईडी के जो समन्स हैं वो गैरकानूनी हैं या वो मेलाफाइडी हैं। तो सबसे बड़ी बात तो मुझे यही लगता है कि हम लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, बाबा भारती और खड़क सिंह, डाकू खड़क सिंह, सुनाई दीजिए। और मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि बाबा भारती के पास एक घोड़ा था और उस घोड़े को पाने के लिए डाकू खड़क सिंह ने सारे प्रपंच कर लिए और ले भी गया। बाबा भारती ने उसको सिर्फ इतना ही कहा कि देखो तुम घोड़ा ले तो गए हो लेकिन ये बात किसी को मत कहना, अन्यथा फिर कोई गरीब पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उस वो गरीब के भेष में आया था, अपाहिज के भेष में आया था। तो भ्रष्टाचार के विरोध इन्होंने अपनी एक एजेंडा लिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी की राजनीति करने की कोशिश की। और आज अगर आप देखिए जिस तरीके से एक पर एक सारे जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जेल जा रहे हैं, विकेंद्रीकरण की राजनीति का की शुरुआत इन्होंने करने को कही थी, आज आम आदमी पार्टी का नेतृत्व देखिए कैसा शीर्षस्थ है और कैसा एक व्यक्ति के आधार पर, एक व्यक्ति के इशारे पर सब कुछ चल रहा है। तो राजनीति में कई दफा सिंबोलिज्म का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। आप जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है विजय जी को आना चाहिए। कुल मिलाकर घिर गए केजरीवाल, मतलब जिस तरीके की राजनीति के जोर पर सत्ता तक पहुंचे, वही सबसे बड़ा हथियार यूएसपी आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, राजनीति में सफाई करने के लिए हम आए हैं, उसी मुद्दे पर आज घिरे हुए केजरीवाल नजर आ रहे हैं। माना जी, केजरीवाल साहब ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी ये सब लोग तो जानते हैं, लेकिन यदि आपको उस समय का याद हो, क्योंकि हम लोगों की याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है, तो केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी जिस पर आरोप लगा देती थी उसकी गिरफ्तारी की मांग करती थी, मतलब ईडी सीबीआई की मांग से शुरुआत करती थी कि भाई उनका इस्तीफा हो और उनकी गिरफ्तारियों केवल आरोप पर। हाँ, जो राजनीति में शुचिता की बड़ी दुहाई दी जाती है, शुचिता की बात करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, शराब वाला जो घोटाला है उसमें पहले मनीष सिसोदिया जी की हो गई, जिस पर आपने कहा कि भाई उनका कोई लेना देना नहीं है, मैं उसमें शामिल नहीं कर रहा मनीष सिसोदिया जी को। फिर संजय सिंह जी की हो गई, अब अरविंद केजरीवाल जी का नंबर आया है। और जो बात हम लोग बार बार करते हैं, तो क्यों नहीं मनीष सिसोदिया जी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मनीष सिसोदिया जी की जमानत क्यों नहीं ले पाई आम आदमी पार्टी, सही बात है ना, यदि उन पर नहीं होता तो कोर्ट करता, या संजय सिंह साहब के साथ भी ऐसा हो सकता है। और मुझे लगता है कि उनको, अरविंद केजरीवाल साहब को भी यही डर लग रहा है कि अब मेरा नंबर इस ट्रेल में आने ही वाला है और फिर मुझे जेल जाना पड़ेगा। ये एक जो घबराहट है वो मुश्किल है, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये तीनों लोग इसमें शामिल है कि नहीं है। लेकिन संजय राउत साहब जो कह रहे हैं वो भी बात ठीक है कि ईडी पर, ईडी को आप बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे सकते कि वो किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से आरोप लगा रही है, लेकिन इसके साथ साथ हम ईडी पर भी सवाल खड़े करें, फिर सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े करें, फिर चुनाव हार जाएं तो इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े करें, तो वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जनता इसको तो नहीं मान रही है। मिलाकर अपने लोकतंत्र को एक कमजोर करने का काम करते हैं ना, जब हम हर संस्था को सवालिया निशान लगाकर चले जाते, बोले मैं जाने को तैयार हूं, बात करते हैं जैसे प्रोफेसर साहब बात करते हैं अदाणी की। जी, वही अदाणी जिसको लेकर कांग्रेस, खासतौर से राहुल गांधी
मोदी सरकार की घेराबंदी करते हैं, मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और इस फैसले से अदानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। 22 केसेस की जांच पूरी, 2 की जांच जारी, जांच एजेंसी पर सवाल उठाना गलत, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। देखिए, जो नियामक एजेंसी है वो सेबी है और सेबी को इस मामले में जांच करनी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सेबी ने जिस तरीके की क्लीन चिट अडानी को दी है उस पर सवाल उठाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौतम अदानी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। अदानी कह रहे हैं कि सच की जीत हुई, सत्यमेव जयते, उन लोगों का शुक्रिया जो हमारे साथ खड़े रहे, भारत के विकास की कहानी जारी रहेगी। ये एक्स पर पोस्ट किया है गौतम अडानी ने, अंग्रेजी में उन्होंने ये पोस्ट किया है। ट्रुथ हैज प्रिवेल्ड, सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। आई एम ग्रेटफुल टू दोज हु स्टूड बाय अस, उन सब का आभार जो हमारे साथ खड़े रहे। आवर हम्बल कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी विल कंटिन्यू, हमारा जो योगदान है भारत की विकास गाथा में वो लगातार जारी रहेगा। तो अब जो सवाल आपके सामने मैं लेकर आने जा रही हूँ वो दरअसल 24 चुनाव से जुड़ता है, और वो 24 चुनाव से इसलिए जुड़ता है क्योंकि अदानी के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी निशाना साधते रहे हैं मोदी सरकार पर। सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं, अदानी पर ये सुप्रीम फैसला मतलब राहुल से छीना 24 का मुद्दा। विजय जी, अदानी के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार हमलावर रही है, अदानी को लेकर भी, केंद्र सरकार को लेकर भी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो हवा निकाल दी ना। हाँ बिल्कुल, उसने हवा निकाल दी, लेकिन इस हवा से पहले भी, सुप्रीम कोर्ट के पहले भी जो इलेक्शंस हुए उसमें वो मुद्दा कांग्रेस से नहीं चला, राहुल गांधी से नहीं चला। इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से बुला रहे, मुझे उसमें एक कन्फ्यूजन लगा था कि कांग्रेस को जब अडानी पर हमला करना है तो जब उस समय दो सरकारें उनके पास बड़ी थी, अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में और भूपेश बघेल साहब की सरकार छत्तीसगढ़ में, वहाँ दोनों जगह पर अडानी के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। मुझे लगता है, मेरी अपनी समझ से, कि यदि राहुल गांधी या कांग्रेस लीडरशिप उन्हें कहती कि भाई आप इन दोनों जगहों पर अडानी के प्रोजेक्ट को विड्रॉ कर लो, तो मुझे लगता है कि इससे एक पॉलिटिकल वेटेज बढ़ता कि भाई हम इसके खिलाफ है। अब ये नहीं हो सकता ना कि राजस्थान और हरियाणा छत्तीसगढ़ में तो अडानी के जो प्रोजेक्ट है वो ठीक चल रहे हैं और बाकी जगह जो है देश में वो घोटाला कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस बात के लिए कन्विंस हैं, आप जिस बात के लिए कमिटेड हैं, तो कम से कम उसके साथ तो खड़े रहिए। ये नहीं हो सकता कि मैं रुमाना जी को पसंद नहीं करता, रास बिहारी जी को पसंद नहीं करता, मैं उनके साथ बैठूंगा नहीं, आज यहाँ नहीं बैठूंगा लेकिन वहां बैठूंगा। हाँ। वो नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कही है वो एक इम्पोर्टेंट, विरोध नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को लेकर, फिर ये वही सवाल आएगा कि भाई आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर भी सवाल खड़ा करेंगे, तो फिर ये वो भी एक अखबार की रिपोर्ट के हवाले से। जी जी बिल्कुल। तो सर सवाल यहाँ पर ये बड़ा हो जाता है कि अब 24 चुनाव में मेरे ख्याल से इस पूरे मुद्दे को, अदाड़ी वाले मामले को, अगर राहुल गांधी हवा देंगे भी तो कोई फायदा तो नहीं मिलने वाला है। वो तो साबित हो चुका है, राफेल पे भी पहले ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इट वॉज ए क्लोज चैप्टर। लेकिन क्या ये जो सब तस्वीर हमारे सामने बन रही है, अडानी की ये सक्सेस स्टोरी या अंबानी की सक्सेस स्टोरी, और पिछले 10 सालों में इनकी वेल्थ कहाँ से कहाँ पहुँची है, तो क्या इस पर कोई सवाल नहीं किया जाना चाहिए? और सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से फैसले दे रहा है, मैं अगेन फिर उस बात को कहूँगा, मुझे वही इमरजेंसी याद आती है, इंदिरा गांधी के राज में कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा नहीं होता था जो सरकार के खिलाफ चला जाए, या उसकी विपक्ष तो था ही नहीं, जेल में था, कोई आलोचना कर सके। और एक जज थे उस वक्त खन्ना साहब, उन्होंने इस्तीफा दिया था कि साहब ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो मुझे जो हो रहा है, जो चीज़ें फैसले आ रहे हैं, वो सब कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अदानी पर सुप्रीम फैसला, राहुल से छिन गया 24 का मुद्दा। राज बिहारी जी, आपको क्या लग रहा है, चुनावी रैलियों के अंदर जिस तरीके से अदानी का जिक्र राहुल गांधी करते थे, अब उस पर फुल स्टॉप? देखिए, विजय जी ने पहले भी कहा कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो अदानी को राहुल गांधी ने बड़ा मुद्दा बनाया था, और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के पास और विपक्ष के पास में ऐसे कोई मुद्दे नहीं है। राहुल गांधी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया, प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को उससे बड़ा मुद्दा बना दिया। तो जिस तरह से मुद्दे कांग्रेस के पास छिनते जा रहे हैं, कांग्रेस को नए मुद्दों की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ऐसा कोई मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं। बिल्कुल, भ्रष्टाचार वाला जो मामला है वो तो कम से कम चस्पा नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार के खिलाफ। प्रोफेसर साहब, रुमाना जी देखिए, राजनीति में मुझे लगता है पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का एक अपना रोल होता है। अगर विपक्ष आरोप लगाता है तो आरोप लगाने की समस्या नहीं है,
पर अगर उस आरोप को आप सब्सटैंशिएट नहीं कर पा रहे, अगर उस आरोप को बैक नहीं कर पा रहे, याद रखिए कि जिस अडानी केस की हम बात कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाई थी, एक जज थे सापरे साहब, उनके उनके अधीन और या उनके निर्देश पे और उनके ऑब्जर्वेशन पे ये पूरा ये चल रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भाई 20 केसों को आपने देख लिया है, दो और आप देख लीजिए। तो दिक्कत यह है कि कांग्रेस के साथ समस्या ही इसी चीज़ की, किसी राई को पहाड़ बनाना चाहते हैं और उससे हो ये रहा है लगातार कि उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी धीरे 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 घटती चली जा रही है। और यही आपने देखा चुनाव में भी, हाँ, कि अगर आप किसी बिना मुद्दे के मुद्दों को राजनीतिक जामा पहनाना चाहेंगे तो जाहिर तौर पर अभी जैसा हमने देखा है, पहले भी देखा है कि वो विफलताओं का दौर लगातार चलता जा रहा है और पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है। और ये पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, विपक्ष की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी धीरे 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 समाप्त होती जा रही है राजनीतिक तौर पर विपक्ष की। आप कह रहे हैं कि उसमें एक घटाव देखने के लिए मिल रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।